बैग बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरह प्लास्टिक और मेजरमेंट करने के लिए हमें चाहिए इंच टेप और स्केल। मैंने यहाँ पे 1 फीट स्केल ले लिया है। सो 1 फीट स्केल पे मैंने 5.5 फीट पे 21 वायर को पीसेस में कट कर रख दिया है। आप देख सकते हो इस वायर की मेजरमेंट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी देती हूँ। सो बाकी बचा वायर को इस तरह पेपर रोल पे रोल करके रख दिया है। इसे हम रोल वाली वायर को हम रनिंग वायर की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो मेजरमेंट करके कट किया था ना, उस वायर पीसेस में एक वायर को मैंने ले लिया है, उससे मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। दोनों एंड को बराबर रखते हुए, नीचे की एंड देखिए, दोनों एंड को बराबर रखते हुए मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो रनिंग वायर है ना, इस रनिंग वायर की जो स्टार्टिंग पोर्शन को इस फोल्डिंग वायर के नीचे रखते हुए उसकी ऊपर रखते हुए हमें मेजरमेंट करके ले लेना है। देखिए इस तीनों वायर की लेंथ बराबर होना चाहिए, जो फोल्डिंग करने के बाद तीनों वायर होते हैं। तो उसके बाद हमें रनिंग वायर को जहाँ पे इस वायर फोल्ड है वहाँ पे इस रनिंग वायर को भी फोल्ड कर लेना है, ठीक है। देखिए नीचे इन तीनों वायर की लेंथ बराबर है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, रनिंग वायर को फोल्ड करने के बाद हमें एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अब हमें मेजरमेंट किया था ना, जो छोटी वाली रनिंग वायर उस वायर ऊपर होना चाहिए यानी फ्रंट होना चाहिए, जो बड़ी वाली रनिंग वायर जो रोल के साथ जॉइंट है वो नीचे होना चाहिए। अब देखिए मैंने फोल्डिंग वायर को इस रनिंग वायर के ऊपर ऐसे रखना है, ये जो छोटी वाली रनिंग वायर है ऊपर है। अब मेजरमेंट किया था ना, वो वाली वायर ऊपर है और नीचे जो वायर है वो रोल के साथ जॉइंट है। ऐसे रखते हुए हमें रनिंग वायर को पकड़ना है। अब फोल्डिंग वायर को रनिंग वायर के ऊपर ऐसे रखना है। उसके बाद ये नीचे वाले वायर है ना, बैक साइड वायर को इस तरह से ऊपर रखना है। उसके बाद ये जो देखिए ये फोल्डिंग वायर, ये फ्रंट वायर है और ये बैक वायर है। सो हम बैक वायर को लेकर इस लूप के अंदर इंसर्ट करना है। उसके बाद टाइट कर लेना है, चारों वायर को खींच के टाइट करेंगे तो नॉट बन जाता है। नॉट लगाने के बाद इन दोनों वायर की लेंथ बराबर है या नहीं चेक करना है। इस वायर क्या है, जो हमने डबल फोल्ड करके जॉइन किया था तब इन दोनों की लेंथ बराबर थी। जो यहाँ पे नॉट लगाने के बाद एक वायर ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमें इस तरह से एक नॉट को इस तरह लूज करके दूसरी साइड की तरफ खींच लेंगे तो इस तरह नॉट एंड जो होते हैं ना, दोनों एंड बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा डिफरेंट है, मैं फिर से इसे एडजस्ट कर लूँगी। 21 पीसेस वायर पे एक पीस वायर को जॉइन करके नॉट बन गया है। सो बाकी 20 पीस को जॉइन करना है। यहाँ पे कहाँ पे बाकी वायर को जॉइन करना है, जो अब मेजरमेंट किया था ना रनिंग वायर को डबल फोल्ड करके, उस छोटी वाले रनिंग वायर साइड हमें जॉइन नहीं करना है। जो रोल के साथ जॉइंट है ना, उस साइड ही हमें जॉइन करना है। अब देखिए इन दोनों वायर की लेंथ बराबर हो गया है, नॉट लगाया था ना पहला नॉट, फर्स्ट नॉट पे। सो देखिए इस साइड जो छोटी वाली रनिंग वायर की साइड नॉट नहीं लगाना है, बाकी वायर को जॉइन नहीं करना है, ठीक है। दो ये रोल साइड वायर है ना, जो इस रनिंग वायर उस साइड ही हम बाकी सभी वायर को जॉइन कर नॉट लगाना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहे होंगी। अब इसे देखिए मैंने इसे टम से टाइटली पकड़ लिया है। इस तरह से पकड़ने के बाद इस तरह से फोल्ड करके इसे रख लीजिए, ठीक है। रनिंग वायर को ऐसे रखना है। उसके बाद एक और वायर को लेना है डबल फोल्ड करके, एक और वायर पीसेस को लेना है डबल फोल्ड करके। उस वायर को देखिए इस वायर के ऊपर ऐसे रखना है। रनिंग वायर के ऊपर मैंने फोल्डिंग वायर को ऐसे रख दिया है, देखिए जैसे दिख रहा है। उसके बाद इस रनिंग वायर को इस तरह से ऊपर रखना है। उसके बाद ये जो बैक साइड वायर है ना, नीचे वाली वायर भी समझ लीजिए, उस वायर को लूप के अंदर इंसर्ट करना है। उसके बाद इस वायर को टाइट कर लेना है, यहाँ पे नॉट बन जाता है, ठीक है। अब फिर से हम इसी तरह से हम यहाँ पे सभी वायरों को जॉइन करते ही जाना है। यहाँ पे देखिए इन दोनों वायर की लेंथ बराबर नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ पे फिर से मैं एडजस्ट करूँगी। जो बिग साइड बड़ी वाले वायर है ना, उस वायर को लूज करके छोटी वाली वायर की तरफ खींच लूँगी। अब यहाँ पे देखिए दूसरी वायर पे एंड ऊपर नीचे था, उसे मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब देखिए दोनों वायर के एंड बराबर हो गया है। अब यहाँ पे मैंने तीसरी वायर को जॉइन करूँगी। देखिए इस वायर को मैंने तीसरी वायर को ले लिया, उसे डबल फोल्ड कर लिया है। उस वायर को यहाँ पे क्या करना है, इस रनिंग वायर को फोल्ड करना है।
देखिए इस रोल वाली वायर है उस साइड मैंने फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। रनिंग वायर के इस तरह से फोल्ड करना है, फोल्ड करके लूप जैसे क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद ये जो वायर है ना तीसरी वायर उसे इसकी लूप के ऊपर रखना है। उसके बाद ये नीचे वाले रनिंग वायर है ना उसे ऊपर रखना है। उसके बाद ये जो जॉइंटिंग वायर है ना फोल्ड किया था उसकी बैक साइड वायर को इस लूप के अंदर इंसर्ट करके पहले क्या करना है, रनिंग वायर को पीछे खींचिए, उसके बाद फ्रंट खींचिए, उसके बाद साइड वायर को खींच लीजिए। यहाँ पे नॉट बन जाता है। यहाँ पे नॉट बनने के बाद ऊपर नीचे चेक करना है। इसी तरह से सभी वायर को जॉइन कर नॉट लगाना है, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने 21 पीसेस वायर को भी जॉइन कर नॉट बन के तैयार हो गया है। सो यहाँ पे रोल के साथ जॉइंड है, अभी भी जॉइंड है उसे, मैंने इस वायर को अब तक कट नहीं किया है। इसे भी हम कट करना है। यहाँ पे कैसे कट करना है देखिए, जो पहली वायर हमने रनिंग वायर को मेजरमेंट करके छोड़ा था उस वायर को एंडिंग रनिंग वायर के ऊपर रख के हम कट करना है, ठीक है। देखिए इस वायर को, ये एंडिंग वाले रनिंग वायर है ना उस वायर के ऊपर रखे, इस वायर जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे हम इस वायर को भी कट करना है, रनिंग वायर को। ये रोल वाले वायर को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब देखिए इस तरह बैग की बेस की पहला लाइन कंप्लीट हो गया है। इसके ऊपर दो लाइन आना चाहिए, उसके नीचे दो लाइन आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस जो वायर है ना, इस रनिंग वायर जो मेजरमेंट किया था ना उस वायर को हमें इस एंडिंग वाले रनिंग वायर के ऊपर कट किया था। अब हमें फिर से यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड लाइन को शुरू करना है। जो पहला लाइन जो ख़त्म हो गया, सो क्या करना है, रनिंग वायर को जो पहले रनिंग वायर को मेजरमेंट करके छोड़ा था ना उस वायर के ऊपर रखे हम इस रनिंग वायर को फोल्ड करना है। देखिए इस वायर के ऊपर रखे हम यहाँ पर रनिंग वायर को फोल्ड करना है। अब यहाँ पे क्या कर, रनिंग वायर को फोल्ड करने के बाद हमें एक चीज़ को ध्यान रखना है, जो बड़ी वाले रनिंग वायर ना वो नीचे होना चाहिए, ये छोटी वाले वायर होती है ना मेजरमेंट क्या था वो ऊपर होना चाहिए। ऐसे रखते हुए हमें पकड़ना है। उसके बाद ये नॉट से एक वायर आता है उस वायर के पीछे ऐसे रखना है, होता है ना, उस वायर को इस तरह से लूप के ऊपर इस तरह फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद इस रनिंग वायर को ऊपर रखना है। उसके बाद अब फोल्ड किया था ना नीचे वायर, उस वायर को लूप के अंदर इंसर्ट करके इस देखिए इन तीनों वायर को खींच लेंगे तो नॉट बन जाता है। इस तरह फोल्ड कर लीजिए रनिंग वायर को, इसके ऊपर इस वायर को फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद रनिंग वायर को ऊपर रखना है। उसके बाद नीचे वायर को लूप के अंदर इंसर्ट करके बाहर निकालना है। उसके बाद रनिंग वायर को पीछे खींचिए, उसके बाद फ्रंट खींच लीजिए, नॉट बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पर रनिंग वायर को इस्तेमाल करके सभी वायर पर जॉइन कर नॉट लगाएंगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे नॉट लगा के कंप्लीट कर दिया है। सो सेंटर लाइन हमें पता लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कांड बांध लिया है, ठीक है। तो इसके ऊपर दो लाइन आना चाहिए, इसके नीचे दो लाइन आना चाहिए। यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन पे एंड वायर पे नॉट लगाऊंगी, जो यहाँ देखिए फोल्ड कर दिया है मैंने रनिंग वायर को। उसके बाद इस नीचे नॉट से आते हैं ना उस वायर को रनिंग वायर के ऊपर फोल्ड करना है। उसके बाद रनिंग वायर को ऊपर रखना है। उसके बाद नीचे वायर को लूप के अंदर इंसर्ट करके टाइट कर लेना है। सो टाइट करने की प्रोसेस भी बताती हूँ। पहले रनिंग वायर को पीछे खींचिए, उसके बाद फ्रंट खींचिए। अब यहाँ पर सेकेंड लाइन भी कम्प्लीट हो गया है। यहाँ पे बस हमें रनिंग वायर को कट करना बाकी है। सो यहाँ पे बहुत इजी है, जो पहला रनिंग वायर है ना उस वायर के ऊपर रख के इस सेकेंड वायर को भी कट कर लेना है। इस तरह बैग बनाना बहुत आसान है। एक वायर के ऊपर रख एक स्टेप को कॉपी करके दूसरे स्टेप भी ऐसी आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे तीन लाइन कंप्लीट हो गया है। सो ये हमारा सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन पता लगाने के लिए मैंने साइड में जो वायर आता है ना वहाँ पर मैंने गांठ बांध लिया है, ठीक है। इसके ऊपर दो लाइन आना चाहिए, इसके नीचे दो लाइन आना चाहिए। सो ऊपर दो लाइन कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे नीचे दो लाइन कंटिन्यू करना है। सो हमें क्या करना है, इसे इस तरह से पलट कर रख लीजिए। पलट कर रखने के बाद दो लाइन को कंटिन्यू करना है। सो रनिंग वायर को ले लिया है। रनिंग वायर को लेने के बाद अब हमें रनिंग वायर को लेना है। रनिंग वायर को लेके जो पहला वायर होती है ना साइड में उसमें एक वायर को ले लेना है। सो मैंने इस पहला वायर फर्स्ट लाइन पे एक वायर आता है ना उसको ही ले लेती हूँ। उसमें नॉट को मैंने निकाल दिया है। निकालने के बाद मैंने मेजरमेंट कर रही हूँ। अब देखिए उस वायर की पहला वायर के ऊपर रख के मैंने रनिंग वायर को फोल्ड कर दिया है। वो जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर हमने रनिंग वायर को फोल्ड कर देना है। देखिए मैंने फोल्ड कर दिया है। जो अब मेजरमेंट किया था ना वो ऊपर होना चाहिए, जो रोल के साथ जॉइंट है उस वायर नीचे होना चाहिए। ऐसे रखते हुए हमें पकड़ना है, ठीक है।
अब देखिए इसे ऐसे पकड़ना है, पकड़ने के बाद हमें क्या करना है, ये जो नाट से एक वायर निकल कर आता है उस वायर की पीछे रखना है, उस वायर को नाट की वायर को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद रनिंग वायर को फ्रंट रखना है, उसके बाद नीचे जो वायर है ना अब फोल्ड किया था उस वायर को लूप के अंदर इंसर्ट करके बाहर निकालना है, उसके बाद रनिंग वायर को तीनों वायर को भी खींचेंगी तो नाट बन जाता है। अब देखिए फिर से फोल्ड कर लीजिए रनिंग वायर को, उसके बाद उस वायर को इसके ऊपर फोल्ड करना है, उसके बाद लूप के अंदर नीचे के वायर को इंसर्ट करके बाहर निकालना है, उसके बाद रनिंग वायर को टाइट कर लेना है। ये सेम प्रोसीजर है, इसे हम कंटिन्यू करती जाना है। अगर आप सही तरीके से नाट लगाना सीख गई तो इस पूरी बास्केट को बहुत आसानी से कम्प्लीट कर सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत जल्दी भी बन जाते हैं इस तरह के बैग। अब इसी तरह से मैंने फोर्थ लाइन भी पूरा बन के कम्प्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे रनिंग वायर को कट करना बाकी है। अब देखिए मैंने पहला वायर के ऊपर ऐसे रख के मैंने रनिंग वायर को कट कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने कट करती हूँ, सो यहाँ पे फोर लाइन कम्प्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बेस मैंने पांच लाइन पे बना रही हूँ, सो सेंटर में एक लाइन है, सो उसके ऊपर दो लाइन होना चाहिए, उसके नीचे दो लाइन, सो नीचे तो दो लाइन कंप्लीट हो गया, सो ऊपर एक लाइन हो गया और एक और लाइन बनाना बाकी है। अब देख सकते हो मैं फिर से वही प्रोसीजर है, रनिंग वायर को ले लेना है, उस पहला वायर के ऊपर रख के फोल्ड करना है, उस पहला वायर के ऊपर मैंने रख के मेजरमेंट करके फोल्ड कर लेना है। देखिए मैंने फोल्ड कर दिया है रनिंग वायर को ऐसे रख के, उसके ऊपर नाट से आते ना उसे फोल्ड कर दिया, उसके बाद नीचे जो वायर है ना उसे लूप के अंदर इंसर्ट करना है, इंसर्ट करके बाहर निकालना है, उसके बाद रनिंग वायर को खींच के टाइट कर लेना है। फिर से वही सेम प्रोसीजर है, इसी तरह पूरा नाट बना के हम कंप्लीट करना है। बस हर एक वायर पर भी रनिंग वायर को जॉइन करके नाट लगा दी जाना है। अब देखिए यहाँ पे रनिंग वायर को फोल्ड करना है, उसके बाद नीचे वायर को रनिंग वायर को फ्रंट रखना है, उसके बाद नीचे वायर को लूप के अंदर इंसर्ट करके टाइट कर लेना है। इसी तरह से मैंने फोर्थ लाइन को भी कंप्लीट कर दिया है, वहाँ पे भी मैंने रनिंग वायर को कट करूँगी। देखिए पहला वायर के ऊपर रख के मैंने रनिंग वायर को कट कर लिया है, देखिए। सो इस तरह बैग की बेस जो फाइव लाइन बन के कंप्लीट हो गया है। अब देखिए ये जो मिनी बैग है, इसी तरह से मैं इस बैग को भी बना रही हूँ। देखिए ये जो पार्ट होते हैं ना बेस, यही बेस है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट पे जो वायर आता है, जो उस वायर हमें जो इस तरह बैग की साइड में साइड वाले पोर्शन पे नाट लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड पे नाट लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इन दोनों अपोजिट में आते हैं ना फ्रंट एंड बैक में नाट लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो इस तरह बैक में फ्रंट एंड बैक पे नाट लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो चारों साइड पर भी वायर निकल कर आना चाहिए। ये बहुत आसानी प्रोसीजर है, जो अगर इस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगी तो जहाँ पे भी वायर छोड़ना चाहिए सही तरह से आप वायर को छोड़ दिया तो इस तरह बैग बहुत जल्दी से आप कंप्लीट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे रनिंग वायर को इस्तेमाल करके इसकी हाइट पे नाट लगाना शुरू करूँगी। ये देखिए मैंने एक और रनिंग वायर को ले लिया है, सो वो पहला वायर ख़त्म हो गया था, सो इसलिए मैंने एक और वायर को
इस ऑयल को मैंने ऐसे पैकेट के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने पेपर रोल पे रोल नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए रनिंग ऑयल को मैंने ले लिया है, सो यहाँ पे जॉइन करना है। जॉइन करके ऐसे नाट लगा के कंटिन्यू करते, ऐसे घुमाते हुए यहाँ पे पूरा राउंड कंप्लीट होने तक हम इसे नाट लगाते आना है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इस तरह रनिंग ऑयल को छोटा सा फोल्ड कर देना है। अब देखिए छोटा सा फोल्ड कर दिया। अब इस ऑयल हमें यूज़ नहीं होंगी, ये छोटा वाला ऑयल होती है ना वो हमें यूज़ नहीं होंगी, इसलिए मैंने छोटा सा फोल्ड कर दिया। अब देखिए इस तरह से छोटा वाला ऑयल ऊपर होना चाहिए, बड़े वाले ऑयल नीचे होना चाहिए। ऐसे रखते हुए हमें इस ऑयल की पीछे रखना है। देखिए मैंने पहले ऑयल की पहली नाट की ऑयल को मैंने छोड़ दिया है, उसकी आगे की ऑयल पर नाट लगा रही हूँ। जो पहला ऑयर को छोड़ के मैंने आगे की वायर पे नाट लगाऊंगी। देखिए नहीं, मैंने पहला ऑयर को छोड़ दिया है, सो उसके आगे की वायर पे नाट लगा रही हूँ। बस वही सेम प्रोसीजर है, उस रनिंग ऑयर को रखना है। जो छोटे वाले रनिंग ऑयर ऊपर होना चाहिए उसी तरह से रखिए, आप नाट लगा दीजिए। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट ऑयर पर भी आगे की सभी वायर पे भी नाट लगाने हैं। रनिंग वायर को फोल्ड करना है, उसके बाद वायर को इस तरह से फोल्ड करना है, उसके बाद नीचे वायर लूप के अंदर सेट करके इस तरह टाइट कर लेना है। पीछे खींचे रनिंग वायर, उसके बाद फ्रंट खींचना है। सो जितने भी रनिंग वायर कट करना था उसे हम पहले ही कट कर लिया है, बार बार हमें रनिंग वायर कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से आप बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से इस पूरा बास्केट बनके कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे बस हमें नाट लगाते ही जाना है। यहाँ पे बस एक और स्टेप को आप ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। जो यहाँ पे कॉर्नर पे हम नाट लगाएंगे ना, तब वहाँ पे एक स्टेप को आपको ध्यान रखना है। कॉर्नर पे आकर आपको बताती हूँ। देखिए रनिंग वायर को फोल्ड कर दे, उसके बाद नीचे वायर को लूप के अंदर इंसर्ट करके टाइट कर दे। फोल्ड करना है, उसके बाद रनिंग वायर को उस वायर के ऊपर फोल्ड करना है, उसके बाद नीचे जो वायर हमने फोल्ड किया था ना उस वायर को लूप के अंदर इंसर्ट करके टाइट कर लेना है। तो इसी तरह से हम नाट को कंटिन्यू करना है। जब हमें कॉर्नर पे आएंगे तब आपको एक स्टेप को ध्यान रखना होगा। वहाँ पे हम सभी नाट पे नाट लगाने के बाद एक स्क्वायर शेप दिखता है, आपको देखा होगा नाट के बीच में एक शेप दिख रहा है ना, स्क्वायर शेप। सो वहाँ पे कॉर्नर पे आपको स्क्वायर शेप नहीं दिखेगा। तो अब इसी तरह से नाट लगा के कंटिन्यू करते जाना है। यहाँ पे देखिए मैंने रनिंग वायर को छोटा सा फोल्ड करके एक साइड वायर को छोड़ के दूसरी साइड वायर पे मैंने सभी वायर पे भी नाट ला के कंटिन्यू किया है। जो पहले वायर को मैंने स्किप कर दिया उसके आगे की वायर पे सभी वायर पे भी नाट ला के कंटिन्यू किया है। सो यहाँ पे देखिए आखिरी वायर आ गया है, यहाँ पे भी एक नाट लगाऊंगी। जो यहाँ पे बेस जो है ना, बेस में चार साइड होते हैं, जो चार साइड पे एक साइड में हमने नाट ला के कंटिन्यू कंप्लीट कर लिया है। सो हम इसी तरह से नेक्स्ट साइड पे भी नाट लगाना है। यहाँ पे कहीं भी कट नहीं करना चाहिए रनिंग वायर को। जहाँ पे हमने रनिंग वायर को शुरू किया था वहाँ से लेकर हमें एंड तक इस रनिंग वायर को कंटिन्यू करना है, मतलब इस रो के एंड तक। बस यहाँ पे भी मैंने एक नाट लगा दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, साइड पे भी वायर पे इसी तरह से रनिंग वायर फोल्ड करके साइड वाली वायर पे ऐसे नाट लगाना है। बस नाट लगाने की सेम प्रोसीजर है, उसी प्रोसेस को हम फॉलो करके सभी वायर पे भी नाट लगाना है। देखिए यहाँ पे भी नाट लगा दिया है। यहाँ पे देखिए तीनों नाट, यहाँ पे बस तीनों नाट मिलके सेंटर पे ट्रायंगल शेप दिखता है, बाकी सभी नाटों के बीच में यहाँ पे हमें स्क्वायर शेप दिखेगा। सिर्फ यहाँ पे मतलब कॉर्नर पे, मतलब यहाँ पे चार कॉर्नर होगा, जो चार कॉर्नर पे भी हमें ट्रायंगल शेप दिखेगा। यहाँ पे भी दिख गया है, अब यहाँ पे एक और कॉर्नर पे भी दिखेगा, ठीक है। इसी तरह से हम नाट ला के कंटिन्यू करना है। मैं कुछ नहीं करना है, बस नाट लगाते जाना है। यहाँ पे कॉर्नर पे ट्रायंगल शेप अपने आप आ जाता है। इसे फोल्ड करना है, उसके बाद इस वायर को हमने पहले एक नाट लगाया था जो हमें सेंटर लाइन पता लगाने के लिए उस गांठ बांधा था, उस गांठ को मैंने निकाल दिया है। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने एक नाट ला के कम्प्लीट कर लिया है। सो इन दोनों वायर पे भी नाट लगाने के बाद यहाँ पे तीसरी वायर पे नाट लाएंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल शेप आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये सेकेंड कॉर्नर है,
तीनों नट मिलके ट्रायंगल शेप आ गया है। सो ये फर्स्ट कॉर्नर है। अब इसी तरह से हम रनिंग वायर को इस सभी वायर से जॉइन करके नाट लगाने के बाद यहाँ देखिए तीसरी कॉर्नर और फोर्थ कॉर्नर है। इस पहले वायर को इसलिए हमने छोड़ा था ताकि यहाँ पे हम रनिंग वायर को नाट लगाएंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल शेप आएगा। ऐसे हम नाट लगाते लगाते आखिरी वायर तक आ गया है। सो और भी दो वायर बाकी है नाट लगाने के लिए। सो इसमें भी मैंने रनिंग वायर को ज्वाइन करके नाट लगाऊंगी। देखिए इस वायर को इसी तरह से फोल्ड करके नाट लगाना है। अब एक नाट लगा के कंप्लीट हो गया। अब एक और नाट लगाना है। सो ये पहला वायर हमने छोड़ा था स्किप करके, सेकेंड वायर पे भी हमने रनिंग वायर को ज्वाइन किया था। सो इस पहला वायर को अब यहाँ पे हमने ज्वाइन करूँगी। अब देखिए इस वायर पे भी मैंने नाट लगा दिया है। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, सो छोटा सा रनिंग वायर को हमने छोड़ा था ना पहले, इस वायर को हमें क्या करना है, 3 नाट तक अंदर हमने डीपली इसे इंसर्ट कर देना है। इसी तरह से नाट के बीच में हमें इसे इंसर्ट कर देना है। हम रनिंग वायर को छोटा सा फोल्ड किया था, फोल्ड करने के बाद यहाँ पे जॉइन करके हम स्टार्ट किया था। स्टार्ट करके ऐसे हम नाट लगाते लगाते कंटिन्यू करके एंड तक आ गया है। सो यहाँ पे बस देखना है यहाँ पे ट्रायंगल शेप आया कि नहीं। सो बस यहाँ पे ट्रायंगल। अब इस प्लास्टिक बैग की हाइट के पहला रो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है। अब हमें एक और स्टेप करना बाकी है। यहाँ पे क्या करना है, इस रो को हम फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पे फिनिशिंग नाट लगाना है या फिर लेडर नाट भी बोल सकते हो। वो कैसे लगाना है, ये जो पहले हमने स्टार्टिंग नाट है ना, उस स्टार्टिंग नाट की जो यहाँ पे वायर आता है, सो इस वायर को हमें पहले लूज़ करना है। ठीक है, इस तरह से नीचे के साइड लूज़ करना है। ध्यान रखिए पूरा नहीं खींचना है, बस थोड़ा सा लूज़ करना है। इस तरह थोड़ा लूज़ करने के बाद इस लूप को, नीचे लूप जैसे क्रिएट होगा, उस लूप को इस तरह ऊपर की साइड खींचेंगे तो ये ऊपर साइड आ जाता है। देखिए इस लूप अब ऊपर साइड आ गया, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें क्या करना है, रनिंग वायर को इस वायर इस नाट के साथ ज्वाइन करना है। सो यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखें, हम हमेशा रनिंग वायर को बाहर से रखते हुए फोल्ड करेंगे नाट लगाने के लिए। यहाँ पे क्या करना है, अंदर की साइड रखते हुए फोल्ड करना है। ठीक है, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिए, अंदर की साइड करेंगे तब ठीक से आएगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे लेडर नाट लगाने के वक्त ही हमें अंदर की साइड रखते हुए फोल्ड करना है। सो इस फोल्डिंग रनिंग वायर को ये जो लूप जैसे क्रिएट किया था ना, उस लूप के अंदर इंसर्ट करना है। उसके बाद ये जो वायर को हमने पहले लूज़ किया था ना, उस वायर को इस रनिंग वायर लूप के अंदर डाल के बाहर निकालना है। उसके बाद टाइट कर लेना है। पहले हमने इस वायर को टाइट करना है। ठीक है, इस वायर को पहले खींचना है, उसके बाद हमें रनिंग वायर को पीछे की साइड इस तरह से खींचेंगे तो ये नाट बन जाता है। अब देखिए रनिंग वायर नाट के साथ अटैच हो चुकी है। अब रनिंग वायर अंदर की साइड चली गई है। अब इसे इस रनिंग वायर को बाहर की साइड लेके आना है। जो देखिए बस ऐसे ही कुछ इस तरीके से लेके आना है। देखिए ये लेडर नाट है और इसकी पीछे रनिंग वायर अटैच हुई है। ठीक है, अब इसे ऐसे लेके आना है। लेकर हम इस रनिंग वायर को ऐसा फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस नाट में उसके आगे की नाट की वायर पे नाट की वायर को लेकर फोल्ड करना है। उसके बाद रनिंग वायर को ऊपर रखना है। उसके बाद नीचे वायर को इस लूप के अंदर इंसर्ट करके रनिंग वायर को पीछे खींचिए। उसके बाद फ्रंट खींचना है रनिंग वायर को। यहाँ पे देखिए सेकेंड रो की पहला नाट बन गया है। अब इसी तरह से यहाँ के सभी वायर पे भी रनिंग वायर को अटैच करके यहाँ पे नाट लगाते कंटिन्यू करना है। आप पूछ सकते हो इस लेडर नाट लगाना बहुत ज़रूरी है क्या, पर मैं प्रेफर ज़रूर करूँगी, लेडर नाट आप ज़रूर लगा दीजिए। हो सकता है आप पहली बार इसे लगाएंगी तो आपको थोड़ा मुश्किल लगे, पर ये पहला रो जो आप पहला रो पे लेडर नाट लगाती हो ना, उसके बाद आप आगे जो यानी सेकेंड रो पे आप लेडर नाट लगाएंगी तो थोड़ा ईजी होता है। उसके बाद थर्ड रो पे बनाएंगे तो और भी ईजी हो जाता है। उसके बाद आप पूरा रो पे भी आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड रो कंप्लीट होने के बाद दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड रो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे भी हमें लेडर नाट लगाना है। सो वही प्रोसीजर है, पहले नाट की वायर को लूज़ करना है। उसके बाद देखिए इस तरह से आएगा, लूज़ करेंगे तो इस तरीके से आएगा। उसके बाद रनिंग वायर को इस लूप के अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, रनिंग वायर को अंदर कैसे रखते हैं, फोल्ड करके ऑलरेडी रख दिया है मैंने। सो उसके बाद फोल्ड करने के बाद ये जो वायर लूज़ किया था ना, उस वायर को इस रनिंग वायर लूप के अंदर इंसर्ट करके टाइट कर लेना है। अब देखिए सेकेंड रो की लेडर नाट भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है,
आप रनिंग ओर को बाहर से लेके आना है। लेके आने के बाद थर्ड रो की फर्स्ट नॉट शुरू करनी है। देखिए मैंने लेडर नॉट के आगे की वायर पे हमें थर्ड रो की फर्स्ट नॉट स्टार्ट करनी है। अब देखिए थर्ड रो को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमें लेडर नॉट लगाना बाकी है। देखिए ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है। यहाँ पे इस तरह से अंदर की साइड देखेंगे तो कुछ रनिंग ओर इस तरह से क्रास में दिखेगा। इसी तरह से हमारा बास्केट बैग कंप्लीट होने तक इस तरह से दिखता है। यहाँ पे हमें लेडर नॉट लगाती हूँ तीसरी। देखिए रनिंग ओर को मैंने अंदर की साइड रखते हुए फोल्ड कर लिया। उसके बाद इस नॉट की वायर को इस तरह से थोड़ा लूज़ कर दिया है। उसके बाद उस लूज़ किया था ना उस वायर को ऊपर की साइड खींचेंगे तो ऊपर लूप जैसे क्रिएट हो जाता है। उस लूप के अंदर रनिंग वायर लूप को इंसर्ट करना है। उसके बाद उस रनिंग वायर लूप के अंदर इस वायर को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद ये थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके सभी वायरों को टाइट कर लेना है, यानी रनिंग वायर को भी और इस नॉट के वायर को भी टाइट करेंगे तो यहाँ पे थर्ड रो की लेडर नॉट भी कंप्लीट हो गया है। रनिंग वायर को बाहर की साइड लेके आना है। उसके बाद फोर्थ रो की फर्स्ट नॉट को स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखिए मैंने 16 रो तक बना दिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने काउंटिंग किया है तो 16 रो। आखिरी वाला रो पे और भी 3 वायर बाकी है, उस पर भी मैंने नॉट लगाने के बाद लेडर नॉट लगाऊंगी। यहाँ पे देखिए लेडर नॉट लगाना है। इसीलिए रनिंग वायर को अंदर से रखते हुए फोल्ड करना है। उसके बाद ये जो नॉट में वायर निकल कर आता है ना, जो पहला नॉट, उस नॉट की वायर को लूज़ करना है। देखिए लूज़ करने वक्त ध्यान रखिए, पूरा नहीं खींचना चाहिए वरना नॉट में वायर निकलना नहीं चाहिए। उसके बाद उस लूप की रनिंग वायर को इंसर्ट करना है। उसके बाद उस रनिंग वायर लूप के अंदर ये नॉट वाले वायर को इंसर्ट करके टाइट कर लेना है। यहाँ तक हमारा बास्केट 16 रो बन के पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें हम फिनिशिंग करना बाकी है। देखिए यहाँ पे मैंने रनिंग वायर को कट करूँगी 4 इंच छोड़ के। इस वायर को छोटा सा कट करने के बाद हम इस वायर को नॉट के बीच में इंसर्ट कर देंगे। अब इसी तरह से साइड वाले वायर पे भी कट करना है। देखिए पहले हम इस वायर को इंसर्ट कर देते हैं। इसी तरह से नॉट के बीच में ऐसे इंसर्ट कर दीजिए, नॉट के अंदर डाल दीजिए। इस बैग की साइड वाले वायर भी थोड़ा ज़्यादा लेंथ है, उससे भी करीब 4 इंच छोड़ के कट कर लूँगी। अब इस बैग में सभी वायरों को नॉट के बीच में इंसर्ट करना बाकी है। कैसे इंसर्ट करना है कि देखिए ये जो नॉट की वायर आते हैं ना, कहीं भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जो नॉट की जो इस तरह से वायर है, इस वायर को हम पहला 2 नॉट को छोड़ देना है। पहले 2 नॉट को छोड़ के थर्ड वाले नॉट पे हम इस वायर को इंसर्ट करना है। देखिए इस तरह से इंसर्ट कर लीजिए नॉट की अंदर। इस तरह से इंसर्ट करने के बाद इस वायर को बहुत टाइटली खींचिए कि मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब इस वायर को आप देखिए इसी तरह से थर्ड फोर्थ फिफ्थ नॉट के अंदर भी इस वायर को इंसर्ट करना है, ठीक है। सिर्फ थर्ड वाले नॉट में नहीं, थर्ड फोर्थ उसके आगे के नॉट, मतलब पहला 2 नॉट को स्किप करके उसके आगे वाले 3 नॉट के अंदर हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। इसी तरह से हम सभी वायरों को इंसर्ट करते ही जाना है। इंसर्ट करने के बाद देखिए इस तरह से ब्यूटीफुल सा फिनिशिंग बनकर आता है। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने पूरा रो पे भी कंप्लीट कर लिया है। और भी 3 वायर को मैंने छोड़ दिया, उसे भी मैंने कंप्लीट करूँगी। अब देखिए ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनकर आ गया है। आप यहाँ पे इस तरह इंसर्ट करने की प्रोसेस थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए एक ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक नीडिल यूज़ कर रही हूँ, बड़े वाले नीडिल। देखिए उसे कैसे बनाना। देखिए इस तरह बड़े वाले नीडिल ले लीजिए। इसी तरह से पहला 2 नॉट को छोड़ के तीसरे वाले नॉट के अंदर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ नॉट के अंदर इस नीडल को डाल दीजिए। डालने के बाद इस वायर को ऐसे हम इंसर्ट करेंगे तो वो बहुत आसानी से चली जाते हैं अंदर।
जिस तरीके मैंने बताया उसी तरीके से सभी स्टेप को आप फॉलो कर बनाएंगे तो इस तरह बैग बहुत आसानी से बहुत ब्यूटीफुल से बनकर आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा रो भी इसी तरह इंसर्ट करके कंप्लीट कर लिया है। सो इस तरह एक्स्ट्रा पीसेस हुए रहना अंदर की साइड, उसे कट कर लेना है। कट करेंगे तो ये पूरा बैग फिनिश हो जाता है। इसमें और भी हैंडल्स लगाना बाकी है।